सबसे पहले हमारे को ट्यूमर का पता चला है, यहाँ पर आया है, उसके बाद हमारे को बाईपास का पता चला है, हमको ब्लॉकेज वगैरह है, उसके बाद फिर हमारा ब्लड टेस्ट भी किया, उसमें भी पता प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा तो सर ब्लड का इशू आया हमारा, ब्लड का इशू इतना बड़ा प्रॉब्लम आया सर हमारा, तो एक महीना हमारा सर्जरी लेट की उसके बाद। नागपुर के पास। और कैसे पता चला आपको ये कि ये ट्यूमर है? नागपुर में हमने चेक कराया था सर, कांधे के एक एक को, उसमें हमारा पता चला कि यह ट्यूमर है। तो आपको उसके टाइम कुछ तकलीफ होती थी, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं? मेरे को एक बार से पेन हुआ था यहाँ पर, मेरे को एडमिट किया था लोकल हॉस्पिटल में, तो उन्होंने बोला कि कुछ आपका एसिड का प्रॉब्लम है, बस उनको डिस्चार्ज देके इको स्पिन गोली दे दिया था उन्होंने। फिर हमने नागपुर गए एक महीने बाद चेकअप के लिए, तो उन्होंने बोला कि आपका एक बार इको काले कर दिया, उसमें पता चला कि यहाँ कुछ मांस का टुकड़ा है हार्ट के अंदर, तो साइज वगैरह उन्होंने पूरा किया बताया हमारे पैसे से बातें करके। तो हम लोग कह रहे हैं ये अलग चीज़ पकड़ा, ट्यूमर है अलग चीज़ होगी हमारी, लेकिन नई चीज़ होगी नहीं। हमने सोचा कि सर्जरी कहाँ कराना भी करा, सबने हमको सर्जरी बोलिया इसके बारे में। तो सर का हमने ऑनलाइन पूरा सर्च किया नेट पे कौन कौन सर के बारे में, पूरा इन्होंने ये चीज़ कर चुके थे पहले इसके बारे में, तो हम लोग फिर इस तरह बॉम्बे आ गए हम लोग और इनसे कॉन्टेक्ट किए। पहला पहला जो उनका टॉक था रविवार को फोन था कि ऐसा ऐसा है, तो क्योंकि मेरा एक्सपर्टीज इसके अंदर, ठीक है आप कल जब भी आप आ जाओ मुझे बताओ और नेक्स्ट डे सर्जरी हो जाएगी। तो इट वॉज सो सरप्राइजिंग फ्रॉम देयर की अगले दिन सर्जरी हो जाएगी और पांच दिन आपकी। इनने पूछा क्या रिस्क होगी, कितना होगा, कैसे क्या करेंगे, उनका कुछ नहीं है, अच्छे होके घर जाओगे। गुड सक्सेसफुल सर्जरी वंस डन यू आर क्योर्ड ऑफ द डिजीज। तो दिस इज ये मेरा इनको एडवाइस था, तो ये मेरे कहने पे ये बम्बई आ गए और 100% इन्होंने गारंटी लिया था कि मैं सक्सेस करके दिखाऊंगा, इसलिए हमको पूरा भरोसा हो गया और हम लोग बॉम्बे शिफ्ट आए। विश्वास दिया आपको? विश्वास दिया सर, 100% मिला। तो अब जब आपको पता चल चुका है कि आपका ब्लड ग्रुप एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो कि वर्ल्ड में बहुत मुश्किल से मिलता है, तो आप क्या प्रिकॉशंस ले रहे हो? डॉक्टर ने आपको क्या सजेशन दिया है कि लाइफ में डाइट में इसमें उसमें कुछ आप प्रिकॉशंस ये देगा? आपको तो ब्लड मिलना नहीं है जैसे ही ऑल इंडिया में, अब जहाँ से बोले हमने उन्होंने बोला आपका ही ब्लड हम आपको ट्रांसमिशन करेंगे। तो डॉक्टर भी मैंने बहुत सपोर्ट मिला इसके बारे में। हम लोग दो तीन हफ्ते यहाँ पर आए वापस यहाँ से अपना गए, फिर उन्होंने मेरे को रिव्यू बुलाया, उन्होंने मेरा ब्लड ट्रांसफ्यूशन ले ली और जमा किया और सर्जरी के समय मेरे को इंजेक्ट कराया उन्होंने मेरी सर्जरी की। So after this, how does he, how is he supposed to live his lifestyle? Does he take care of diet, exercise? He has a coronary artery disease, so and he is undergoing a bypass surgery. So all the risk factors, although he does not have many risk factors, but even then, he has to be protected from coronary artery disease progression. So that he has to be on statins, he has to be on blood thinners. As far as tumor is concerned, 99.9% is cured of the tumor. It will not recur because I have taken out the septum, created new septum, so that is cured. But for coronary artery disease, he has to be maintaining a good lifestyle, although he has a good lifestyle as it is. But more, he has to be on different medications, blood thinners and statins. That's it. Otherwise, and regular checkup, regular antibody titer measurement, so that and we hope that this antibody goes down, so that he is safe for any further transfusions. Yeah, any other thing about diet or not taking stress? That for the and that to maintain the hemoglobin levels, we have advised him that he has to take a diet which is rich in iron. So more of foods which are rich in iron, like beetroot. He must maintain 15 gram hemoglobin. So we have always advised him, because even if we have to go in for such a procedure jahan unka blood le rahe hain de rahe hain, wo bhi agar 11 ke niche inka hemoglobin hoga to nahi kar sakte. So that is one thing which he has to maintain, he has to keep a check on his hemoglobin levels and keep it at par. So how frequently he has to do the checkup? Once in a month that or once in 6 months? Nagpur itself, but what, once in 6 months? Once in 6 months he will come.